के कोई अपने विचार थे, ये इस बात लीडरशिप की तरफ से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के अपने अपने विचार लोगों ने अपनी अपनी तरफ से किसी प्रकार के रखे, लेकिन बात ज़्यादा क्या हुई कि स्ट्रैटेजी किस प्रकार से हमें चुनाव लड़ना है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना है, कैसे हमने आने वाले 6 महीनों में अपनी तैयारी करनी है, कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, कैसे हमने बूथ पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए हमने क्या उनको मिशन देना है, ये तमाम सारी चर्चा रही। सब लोगों ने अपनी बातचीत रखी लीडरशिप के सामने और लीडरशिप ने कहा, जैसा मैं आपको पहले कह के गया हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी जो अपने आपके लोगों के विचार हैं हम उनको सुनेंगे, उनके मुताबिक ही आने वाला जो प्रोग्राम है, चाहे वो बूथ कमेटियां बनानी हो, चाहे कोई और कार्यक्रम शुरू करना हो, चाहे कोई पदयात्रा शुरू करनी हो, वो हम आने वाले दिनों में वो लिखेंगे और करेंगे। दो दिन बाद फिर बुलाया है क्या, फिर मीटिंग है पंजाब की? हमें अभी तक नहीं बुलाया, हमारे इंचार्ज सब यही है, किसी प्रकार का दो दिन बाद हमें नहीं। तो क्या अलायंस के अंदर अगर असमंजस नहीं होगा, कार्यकर्ताओं में स्पष्टता नहीं होगी, तो तैयारी कैसे होगी? मैंने कहा कि अभी ये 3 महीनों से यही एक चर्चा चल रही है मीडिया द्वारा, कुछ सत्य मीडिया कहता है कि भाई अलायंस हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अभी तक बींग ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एज ए इंचार्ज दविंदर जी और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे से लीडरशिप ने आज की मीटिंग में भी इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई है कि अलायंस या सीट शेयरिंग के बारे में ऐसी कुछ चर्चा। लेकिन पंजाब यूनिट लगातार खिलाफत करती आई है, यू स्टिल ऑन योर कमेंट्स? हमने किसी प्रकार की कोई मुखालफत पहली तो बात है नहीं की है, हमने अपने अपने विचार रखे, लीडरशिप विचारों की कदर करते हैं, हमने किसी और अंतिम निर्णय जो होगा अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ अंतिम निर्णय लीडरशिप का होगा, लेकिन अपने अपने विचार हमने देते हैं कि हर मुद्दे पे, लेकिन कोई किसी प्रकार की अलायंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं। आज भी वो विचार है गे बाजवा जी, बाजवा सर, बाजवा सर, अरे यार बराड़ साहब ने कहा कि उधर ही देख के बोलेंगे, विरोध में जो व्यक्तिगत विचार मीटिंग है। एक बात अच्छी तरह सुन, पहली बात तो ये है क्लोज डोर मीटिंग, हमारी क्लोज डोर मीटिंग थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक बात बहुत पक्की है जो कांग्रेस की लीडरशिप ने हमें बात कही है कि आपके व्यूज को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो कांग्रेस है वो एक सोच, एंड पंजाब हैज ऑलवेज विस्टूड, जो आज नेशनल गवर्नमेंट सारे हिंदुस्तान में कहीं जीत गई होगी मगर पंजाब ने वहां भी इसका मुंह मोड़ा है, तो दे हैव कैटेगोरिकली टोल्ड अस यू नीड नॉट वरी, आपका व्यू हमने ले लिया है और कांग्रेस की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष आने वाले समय में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हमें अपने चुनाव को आने वाला 2024 का चुनाव किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, क्या क्या वहाँ पर हमें कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से आप आगे उसको बढ़ते मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उस बारे में सभी हमारे सीनियर लीडर्स ने अपनी राय दी और काफ़ी पॉजिटिव माहौल में सभी ने बहुत पॉजिटिव अपने अपने विचार रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब एकजुट होकर मिलकर 2024 की चुनौती तैयार। मीटिंग बहुत अच्छी रही है जी, सब लोगों ने हाई कमांड को ये कह दिया है कि सर तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए, जो हाई कमांड का फैसला होगा वो हम लोग सब लोगों को मंजूर होगा। भाई की मुखालफत हुई है? नहीं, मुखालफत मेरी अपनी राय है, किसी और की अपनी राय है, लेकिन ज़्यादातर राय ये थी जो हाईकमांड कहेगा उसके अनुसार, क्योंकि हाईकमांड को सोच कर ही गठबंधन की बात करेगा, हाईकमांड को सोच कर ही पंजाब का कोई फैसला लेगा, हाईकमांड ने जब नेशनल पत्र पर ये सब किया है तो हो सकता है कि इसके लिए भी कोई फैसला करें, क्योंकि सब ने हक यही दिया है हाईकमांड को कि आप फैसला करेंगे हम लोग। तो मतलब गठबंधन हो रहा है फिर? हो भी सकता है। तुसी हक चो गठबंधन दे? देखिए मैं हाईकमांड के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ, मेरी पार्टी जो फैसला करेगी। लेकिन सर जिस तरीके से कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, इसको लेकर अनुशासन की बड़ी गल है कि राजा वड़िंग कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जड़े ने या प्रताप सिंह बाजवा भी बोलते रहे। देखिए
सीधी जी गल है भाई कई बार अपनी अपनी राय होंगी है पर जो फैसला उपरू आ जाए जो हाई कमांड कोई फैसला कर दे जो परिस्थितियां देखिया जा हालात देखे जा फिर हाई कमांड का कहना मिलना भी पैदा और बहुत लोग सजेशन भी देते थे लेकिन जो हाई कमांड सजेशन देता फिर समझ लेने अभी भाई वो सीनियर ने है जी दो दिन बाद फिर मुलाकात हो रही है हाई कमांड जी खड़गे साहब ने यही कहा में आने वाला जो 2024 है उस चुनाव कैसे मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है कि नेताओं के साथ लड़ा जा सकता है क्या हमारा कैंपेन है उस सभी चर्चाओं पर वो उन सभी बातों पर मुख्यतः चर्चा हुई है सभी हमारे लीडर्स ने अपने अपनी बात रखी है और बहुत स्पष्टता के साथ रखी है एक अच्छे माहौल में रखी है मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक अच्छा कैंपेन लेकर आएंगे और फील्ड में उस पर मजबूती के साथ क्या इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो रही है क्या आज पंजाब से राय ली गई है कि इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब में सरकार है उनके साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए कहा सभी लोगों ने क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्या वहाँ पर काम होना चाहिए किस तरीके के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होने चाहिए उन सभी बारे में चर्चा हुई है और अच्छे माहौल में हुई है आने वाले समय में उन सभी लोगों पर हम बात आपको पंजाब की अभी जिम्मेदारी मिली है क्या लगता है कि अनुशासनहीनता जो है पंजाब के कांग्रेस के नेताओं में देखी गई है क्योंकि बयानबाजी सामने आती है दोनों नेताओं की संगठन के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और अनुशासन में किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर किया जाएगा अच्छा पंजाब दौरे पर कब जा रहे हैं आप अगर बात करें तो जल्दी तय होगा तो आपको लीडरशिप ने सुनी पंजाब च की होया डेढ़ साल के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने की किया संगठन हम की कर रहे हैं और आने वाली पार्लियामेंट की तैयारी की है एदे ते तमाम चर्चा लीडरशिप ने कांग्रेस के लीडर नाल की सर कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी कोई चर्चा आम आदमी पार्टी को लेकर कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा अभी हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ नहीं की है बहुत से लोगों ने अपने अपने लोगों ने अपने अपने विचार रखे लेकिन इस प्रकार की हजे कोई गल नहीं की कि सीट शेयरिंग होनी है या अलायंस होना है अजे असी पहला दिन जिवें असी पहला 13 दियां 13 सीटा की तैयारी कर रहे सां उस तरह ही हुण भी असी 13 दियां 13 सीटा ते असी तैयारी च लगे हुए क्या लगता है कि सर अनुशासन को लेकर भी कोई गलबत जो है मीटिंग विच हुई है बिल्कुल खड़गे साहब और राहुल जी ने संदेश दिता कि किसे व्यक्ति विशेष नु चाहे वड्डा है चाहे छोटा है चाहे ओहदे ते है चाहे वह पद मुक्त है अनुशासन भंग करने की इजाजत नहीं दी जाऊगी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा अगर 2 दिन बाद मीटिंग होगी तो ब्रीफ करा किसी प्रकार की 2 दिन बाद मीटिंग नहीं उन्होंने कहा कि जिवें होर प्रदेशों के विच असीं सारियां च स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे हैं उसे तरह ही असीं पंजाब में क्या वडिंग साहब आप मानते हैं कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो 13 की 13 लोकसभा सीटें पंजाब की आप जीत पाएंगे यार मन किवें लवां हजे तक कोई गल नहीं बात भी तुसीं कल्ले ही मनाउण लगे हो जदों गल होगी तुहानूं दस दूंगा जिहड़ा काम हो ही नहीं रहा उहदे ते मैं अपना विचार किदां अज दे दिआं जदों कोई गल होएगी तुहानूं दस्सांगा ये हो सकदा कदे होवे ही ना जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो